अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मोहम्मद हुसैन किचन गार्डन से। फरवरी गुज़र चुका है, मार्च की आज 3 तारीख है और इस महीने में आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे मोतिया की, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने सीड से ग्रो किया है, ये आप देख सकते हैं। ये कीनू का सीड, मैंने 3-4 सीड मैंने, वैसे ही कीनू का सीज़न था तो मैंने खा के उसमें लगाए थे। एक ये फर्टिलाइज हुआ है, एक और सीड फर्टिलाइज हो रहा है, और ऐसे मैंने 2-3 और सीड्स लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता रहूं। क्योंकि ये मौसम फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, इसमें कटिंग बीज आसानी से ग्रो होते हैं। और ये मैंने इसका बॉन्साई बनाना है। खैर, इसकी हार्ड ट्यूनिंग वगैरह करूँगा इसकी मैं। ये देख सकते हैं, माशा उसके वाइट और ग्रीन कलर के फ्लावर होते हैं, पत्ते होते हैं। इसमें चेंजिंग करनी है मैंने मज़ीद भी। और भी एक फाइकस का मैंने बॉन्साई बनाना है, जैसे मैंने इसकी वायरिंग की दी है, आप देख सकते हैं। अभी तो ये बुशी हुआ है, इसे मैं कटिंग करूँगा तो उसके बाद ये शेप में आ जाएगा बॉल टाइप की। तो उसी में कटिंग करके आपको मैं बताऊंगा कि बॉन्साई किस तरीके से। पहले मैंने इसको बड़े पॉट में लगाया है, फिर जब भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगा उसके 1-1.5 हफ्ते के बाद इसको शेड एरिया में रखूँगा और फिर मैं उसको जो है बॉन्साई पॉट में शिफ्ट करूँगा। एक ये प्लांट है अलजोरा, छोटे पत्तों वाला, इसका भी मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में इसका भी एक बॉन्साई बनाऊँ। ये आप देख सकते हैं, इसे शेप समझ में नहीं आ रहा मुझे, बॉन्साई बनने के लायक है नहीं है। नहीं, कुछ ब्रांचेस की मैं कट करूँगा, इसकी जड़ें भी बाहर दिख रही हैं आपको, ये देखें। मैंने नर्सरी से बाय किया था, इसमें शायद फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से इसके पत्ते ख़राब हुए हैं। अभी मैं इसकी रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी केयर कर रहा हूँ, ये सेट हो जाएगा। बाकी मेरे बहुत सारे प्लांट है जो मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, उसका सदाबहार दोबारा से ये अपनी शूट्स निकाल रहा है और पत्ते निकाल रहा है। ऐसे अलजोरा मेरे पास बड़े पत्तों में पड़ा हुआ है, रेड पत्तों फूलों के अंदर। प्लीज़ दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें तो मैं और नई नई वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।